जनरल जी आया नो उपायुक्त महोदय आदरणीय श्री रमेश्वर बिडाल जी टीटीपी उसका कुछ हिस्सा जो है वो सिविल सर्जन को ही हैंड ओवर कर रहे हैं अपने घर कमलों के द्वारा जब नहीं लो मास्क N95 मैं इस सभा के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस अपनी जो है कि अगर किसी को फर्दर उन्होंने आगे डिप्यूट किया है तो उसका कोई लेटर वगैरह कोई रेफरेंस वगैरह है। और इसके साथ साथ मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं जैसे जो जिला परिषद चेयरमैन है कोर्डलेस माइक दो लोग ना एक इसी साइड पर है और एक इस साइड में जो सभी अधिकारियों को जो है प्रॉपर सूचित किया जाता है माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से, लेकिन अगर उसमें से जो अधिकारी नहीं आए उसके बारे में मैंने उपायुक्त महोदय को बिल्कुल ये हिदायत भी दी है और उनको निर्देश भी दिया है कि वो उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि जो नहीं आए हैं अधिकारी तो वो क्यों नहीं आए हैं और अगर कोई कारण है तो वो कारण बताएं, नहीं तो उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करें। उसके लिए मैंने उनको बोल दिया। नहीं देखिए उसके लिए संज्ञान लिया है इस बात का और जो नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं इसके बारे में उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन कॉल की जाएगी और वो पूछा जाएगा उनसे कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुनिश्चित करें कि अगली जो बैठक होगी और उसके अंदर वो पहुंचे और अपनी बात को ठीक तरीके से रखें। बिल्कुल अगर किसी ने जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं तो वो कहीं किसी और मीटिंग में अगर व्यस्त हैं तो वहाँ पर वो अपना डॉक्यूमेंट्स उसमें साथ लगाएं, नहीं तो पूरी एक्सप्लेनेशन कॉल इसकी की जाएगी। और चीफ सेक्रेटरी साहब को जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं हमारे मैडम उनको भी हम इसके बारे में जो है वो लेटर भिजवाएंगे कि ये ऑफिसर्स जो हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और वो एब्सेंट हैं। अगर मीटिंग में दिशा की मीटिंग में कोई एब्सेंट रहता है तो उसका पूरा कॉग्निजेंस लिया जाएगा, पूरा संज्ञान लिया जाएगा। देखिए काम तो हो रहा है लेकिन और अच्छा हो इसके लिए उस जो हमारे डीसी साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि वो जो यहाँ के DHO हैं उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर बातचीत करें कि किस तरह से यहाँ पर हम और ज्यादा स्कोप जो है हॉर्टिकल्चर का कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये चाहा है कि हम लोग पानी को बचाएं और किस तरह से जो है ऐसी फसलों को हम बढ़ावा दें कि जिसमें पानी की खपत जो है वो कम होती है, क्योंकि इस एरिया में पानी जो है वो कम है लेकिन धान की फसल जो है वो ज्यादा उगाई जाती है। तो वहां पर आप ये देखिए कि हमारा टारगेट था हरियाणा का 1 लाख हेक्टेयर का और 1 लाख हेक्टेयर से बहुत ज्यादा जो किसान जो है वो खुद आगे आए हैं कि हम यहाँ पर धान की फसल की जगह पर पूरे हरियाणा में कोई और फसल लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। तो उसमें हम हमारे जो फल फ्रूट के जो पौधे हैं पेड़ हैं उनको भी बढ़ावा मिले उसके लिए हमने हिदायत दी है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसको सीरियसली ले, क्योंकि कीनू की खेती हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है और जैसा कि उन्होंने बताया कि गुआवा की खेती भी हो रही है यहाँ पर, और तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि लोग जो है वो इस तरफ को आगे बढ़े। हम मैं जो है हमारा जो केंद्रीय जो डिपार्टमेंट है आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे मंत्री हैं उनसे मैं बातचीत करके और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, क्योंकि ये सुनिश्चित करना जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है कि हमारी जो भी दिशा की मीटिंग होती है उसको वो पोर्टल पर उसको सही तरीके से जो उसके अंदर फीड कर दें, क्योंकि जब हम वहां पर जाकर देखते हैं तो कई बार ये पता लगता है कि जो वहां पर फिगर्स पहुंची हैं मीटिंग्स की वो उतनी नहीं होती जितनी हम मीटिंग्स ले चुके होते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन रहे, पोर्टल पर रहे और जो है सभी अधिकारी उसके अंदर जो है वो पहुंचे और हर चीज को सीरियसली लें और हर चीज की जो है वो ढंग से मॉनिटरिंग होगी, हर चीज की फीडबैक ली जाएगी। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो पिछले वाला है उसका पूरा जो है ब्यौरा लिया जाएगा कि उसमें आपने क्या प्रोग्रेस किया और उसके अंदर अगर कोई कमी रही तो क्यों कमी रही। हाँ 11 सड़कों का देखिए पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो है हमारे जो है सिरसा डिस्ट्रिक्ट को 11 सड़कें मिली हैं। मुझे ध्यान है कि किस तरह से भागते भागते उन्होंने सिग्नेचर करवाए थे और उसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है उसके तहत हमारी 11 सड़कें यहाँ की मंजूर हुई हैं। तो बहुत खुश हैं सभी और बहुत जल्द उसका नींव पत्थर रखेंगे। देखिए बहुत गौरव की बात है जो हमारी जो आर्मी है हमारी जो सेना है वो अभी तक जिस तरह से जो पुराने डर्रे से ही काम कर रही थी तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक नया जोश जो है वो आ रहा है राफेल के
आने से। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने देखा कि बॉर्डर पर वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका सबका जो जिस तरह से उनका प्रोत्साहन किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उससे हमारी सेना को एक नया जो है जोश मिला है। और पहले से ही बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर जो एक टॉप लीडर जो है वो अगर उनके बीच में पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि उनका उत्साह जो है वो दुगना तिगुना हो जाता है। बाकी है भाई, सेना कितनी बड़ी उपलब्धि मानता है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये लॉन्ग अवेटेड जो है डिमांड थी राफेल की, और मुझे लगता है कि अब ये उनके बीच में आ गया है, तो वो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं इस बात में।